सम्माननीय धर्मप्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, सदगुरु कबीर का एक छोटा सा पद और उस पर कुछ विचार। सदगुरु कबीर कहते हैं, कोई हरिजन मिटावे हमार खटका, वृक्ष एक अधर में जामा, जड़ ऊपर पलई तरका, जल ऊपर लोहा उतराने, लौकी बूढ़ गई तरका। कहें कबीर सुनो भाई साधो, सुई नख माही जगत अटका। सदगुरु कहते हैं कि मेरे मन का जो संदेह है उसे कोई हरिजन ही दूर कर सकता है, कोई ज्ञानी आत्मज्ञानी पुरुष ही दूर कर सकता है। एक पेड़ है जो अधर में लगा हुआ है, उसकी जड़ ऊपर है, शाखाएं नीचे है, लोहा पानी के ऊपर तैर रहा है और लौकी पानी में डूब गई। साहब कहते हैं कि मैं देखता हूं ये दुनिया भर के लोग सुई के छेद में फंस गए हैं, पूरी उलटवासी। एकाएक पढ़ोगे तो लगेगा कि कोई पागल की बात है। सदगुरु कबीर की जितनी उलटवासियां हैं सब मानो एक प्रकार की बुझौवल है, पहेली। परंपरा द्वारा, विवेक द्वारा उनका सही अर्थ निकाला जा सकता है। सदगुरु कबीर की यह विशेषता रही है कि जो बात वे कहना चाहते हैं वह नहीं कहते, कहते कुछ और हैं, लेकिन निर्देश इशारा किसी और की तरफ होता है। पहली पंक्ति है कि कोई हरिजन मिटावे हमार खटका, कोई हरिजन मेरे मन का संदेह दूर कर सकेगा। हरिजन कौन? आज हरिजन शब्द कहते ही हमारे मन की गंदगी बाहर निकल आती है। जैसे हमने सुना कि अमुक आदमी हरिजन है, मान लिया को आदमी छोटा आदमी है, अछूत है। आदमी छोटा नहीं है, आदमी अछूत नहीं है, हमारे मन की गंदगी है यह। आदमी जैसा पवित्र, आदमी जैसा देवता, आदमी जैसा पूजनीय और कौन हो सकता है? यदि आदमी नीच है तो ऊंचा कौन है? ये ऊंच नीच की भावना कुछ स्वार्थी लोगों ने समाज में डाल रखी है और आज भी ये भावना लोगों के मन में गहराई तक जमी हुई है। सब जानते हैं कि मनुष्य मात्र के जन्म लेने का तरीका एक समान होता है, उसका नाम चाहे जो हो, फिर अंतर कहाँ है? शरीर में लगे हुए जो तत्व हैं, शरीर में लगे हुए जो हड्डी मांस मल मूत्र खून आदि है, उनमें अंतर कहाँ है? फिर किस कारण से एक आदमी
जन्म से अछूत हो गया और एक आदमी जन्म से पूजनीय हो गया। ये हमारे मन की गंदगी है। इस गंदगी को दूर करके सच को समझें और मनुष्य का मूल्यांकन उनके गुण कर्मों के आधार पर करें, मिथ्या जाति और वर्ण के आधार पर नहीं। मनुष्य भव का भूषण है। सद्गुरु कबीर ने तो कहा है, मानुष तेरा गुण बड़ा, ऐ मनुष्य तेरे सद्गुणों की ही विशेषता है, अन्य विशेषता नहीं है। महाभारत में तो महर्षि वेद व्यास ने कहा है, गुह्यम ब्रह्म तदिदम ब्रवीमि, न ही मानुष्यात् श्रेष्ठतरम ही किंचित। महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि मैं एक गोपनीय रहस्य की बात बताता हूँ, कि वह यह है, मनुष्य से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। सबसे श्रेष्ठ यदि कोई है तो मनुष्य है। मनुष्य को हटा दो तो पंडाल बनेगा, मनुष्य को हटा दो ज्ञान विज्ञान का कहीं विकास होगा, मनुष्य को हटा दो किसी कला कौशल का विकास होगा, मनुष्य को हटा दो मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा आश्रम बनाने वाला कोई होगा, मनुष्य को हटा दो तो पत्थर में से देवी देवता भगवान बनाने वाला कोई होगा, मनुष्य है तब ज्ञान विज्ञान है, मनुष्य है तब मत पंथ संप्रदाय है, मनुष्य है तब कला कौशल है, मनुष्य है तब देवी देवता है, भगवान भगवती है, ईश्वर ब्रह्म है। मनुष्य ना हो तो कुछ नहीं होगा, इसलिए मनुष्य ही सबसे श्रेष्ठ है। किसी सूफी संत ने कहा है, मखलूक ही मजहरे खालिक है और इंसान अशरफ उल मखलूकात है। मखलूक ही मजहरे खालिक है, प्राणी ही इस दुनिया में प्रत्यक्ष भगवान है और मनुष्य प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ है। जो सच बात है उसका अनुभव हर क्षेत्र के महापुरुषों ने किया है और अपने अपने ढंग से उसका वर्णन किया है, कहा है। मूल पद पर आए, कोई हरिजन मिटावे हमार खटका। सद्गुरु कबीर कहते हैं कि कोई हरिजन मेरे मन का संदेह दूर करेगा। हरिजन कौन? आत्मज्ञानी संत, जो आत्मपरायण है, आत्मनिष्ठ है, आत्मस्थित, आत्मसंतुष्ट है, आत्मतृप्त है, वह हरिजन है। हरि का जन, हरि कौन? हरि के अनेक अर्थ होते हैं। यहाँ हरि का अर्थ है आत्मा, हरि का अर्थ है ज्ञान, हरि का अर्थ है सद्गुरु, जो ज्ञानवान है, सद्गुरु द्वारा जिसे आत्मबोध हो गया है, आत्मनिष्ठ है, वो हरिजन है। हरिजन हंस दशा लिए डोले, साहब ने कहा है, आत्मज्ञानी संत हंस की दशा लेकर के संसार में विचरण करते हैं। ऐसा जो आत्मपरायण, आत्मसंतुष्ट, आत्मज्ञानी संत हैं, उनके पास जाकर के जिज्ञासा करने पर हमारे मन का संदेह दूर होता है। आदमी के मन में अनेक प्रकार के संदेह होते हैं। सबसे पहला संदेह तो आदमी को इस बात को लेकर होता है कि जीवन का निर्वाह कैसे होगा। नौकरी छूट जाएगी, व्यापार बंद हो जाएगा, खेती डूब जाएगी, अकाल पड़ जाएगा,
तो जीवन गुजर कैसे होगा? बुढ़ापे में सेवा कौन करेगा? रोग लगने पर सेवा कौन करेगा? शरीर निर्वाह को लेकर के चिंता, उसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, केवल परिश्रम करते रहने की आवश्यकता है। हर आदमी के साथ उसका अपना प्रारब्ध है, प्रारब्ध अदृश्य है किंतु पुरुषार्थ प्रत्यक्ष है। पुरुषार्थ करते चलें, प्रारब्धानुसार जीवन निर्वाह की व्यवस्था होती रहेगी। जम करके मेहनत करें, जो आदमी जहाँ है वहाँ वो जम करके मेहनत करे, मेहनत करने में किसी प्रकार की कोई कमी न रखे, और मेहनत से जो प्राप्त हो सावधानी पूर्वक उसका खर्च करे, फिजूल खर्ची न करें, दुर्व्यसन का सेवन न करे, आमदनी के भीतर खर्च करता रहे, तो जीवन निर्वाह की कमी कभी किसी को होगी नहीं। उसके लिए चिंता करना बेकार है। क्यों चिंता करते हैं आप? चिंता केवल चित्त को जलाती है, फायदा कुछ नहीं है। चिंता नहीं, चिंतन करें कि जीवन मिला है, किस लिए मिला है और हम क्या कर रहे हैं। चिंतन करेंगे तो सही बोध होगा और सही रास्ता मिलेगा। तो पहला संदेह जीवन निर्वाह के लिए, दूसरा संदेह ये दुनिया कैसे चल रही है, इतनी बड़ी दुनिया, इसका कोई चलाने वाला है या नहीं है, और जो चलाने वाला होगा वो कितना बड़ा होगा। नियम से दिन के बाद रात, रात के बाद दिन होते हैं, ठंडी के बाद गर्मी, गर्मी के बाद बरसात, फिर ठंडी, सूर्यास्त और सूर्योदय नियमानुसार, ये चांद, ये सूरज, ये तारे आकाश में दिखाई पड़ते हैं, गिरते क्यों नहीं हैं? हम कोई चीज़ फेंकते हैं ऊपर आकाश में तो वो गिर आती है, और रोज़ हम देखते हैं सूरज अपनी जगह पर, चांद अपनी जगह पर, तारे अपनी जगह पर, ये गिरते क्यों नहीं? कौन इन्हें थाम करके रखा हुआ है, चलाने वाला कौन? ये संदेह होता है। और संदेह क्यों होता है? प्रकृति के जो गुणधर्म है, तत्वों के जो नियम है, गुणधर्म है, उनको न समझने के कारण। पानी कौन बरसाता है? कोई भगवान बरसाता है, आदमी मान ले। तो ये बालकों को समझाने के लिए है, भगवान पानी बरसाता तो सब जगह बराबर बरसाता, कहीं कम कहीं ज़्यादा क्यों बरसाता? देखो हमारी इलाहाबाद क्षेत्र में डेढ़ महीना से एक बूंद पानी नहीं पड़ा है, और कहीं बाढ़ आई हुई है। भगवान दयालु है, सर्वज्ञ है, तो सब जगह बराबर पानी बरसाता, कम ज़्यादा थोड़े बरसाता, किसी को तकलीफ थोड़े देता, ये तो नियम है प्रकृति का। उपयुक्त योग्यता हुई, पानी बरस गया, नहीं हुई, नहीं बरसा। इसमें किसी देवी देवता भगवान भगवती को मनाने की, पूजा प्रार्थना करने की, यज्ञ हवन तर्पण नमाज पढ़ने की क्या ज़रूरत है? ये प्रकृति के नियम से होते हैं। इसको न समझने के कारण आदमी एक दैवी कल्पना कर लेता है, फिर तीसरी कल्पना, तीसरा संदेह होता है आत्म अस्तित्व के लिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा सुख दुख देने वाला कौन, मरने के बाद मेरा पूरा का पूरा नाश हो जाएगा या कुछ बचेगा। नचिकेता ने भी यमराज से यह प्रश्न किया था, अस्तित्व के नायम अस्तित्व से के, कोई कहता है कि मरने के बाद आत्मा का अस्तित्व रहता है,
और कोई कहता है नहीं रहता है। मरने के बाद सब कुछ समाप्त हो जाएगा या कुछ बचा रहेगा, और फिर मैं साधना कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये संत महात्मा कहते हैं संयम से रहो, साधना करो, विवेक वैराग्यपूर्वक काम करो, भक्ति करो, तो कल्याण का काम होता है, मुक्ति मिलेगी। कितने देखा है मुक्ति को, मुक्ति होती भी महात्मा लोग बहकाने के लिए कह देते हैं, तमाम प्रकार का संदेह। अब ये संदेह आत्मबोध न होने के कारण, इन सारे संदेहों का शमन होता है आत्मज्ञानी संत गुरुजन की संगत से। इसलिए जो आत्मज्ञानी चरित्रवान संत हैं, गुरु हैं, उनके पास जाएं और उनके पास जाकर के अपनी शंकाओं का समाधान करवाएं, जिससे हर क्षेत्र में आप निश्चिंत होकर और निर्भय होकर अपना काम कर सकें। जो स्वयं भ्रम में पड़े हुए हैं, वे दूसरे के भ्रम का निवारण क्या करेंगे? बड़े बड़े महात्मा लोग अच्छे त्यागी हैं, वैराग्यवान हैं, ज्ञानी हैं, बहुत शास्त्रों को पढ़े लिखे हैं, उनके पास कोई जाता है जिज्ञासु और कहता है भगवान इतने दिन हो गए भगवान का नाम जपते जपते, भगवान को पुकारते पुकारते, गंगा नहाते हुए, आज तक भगवान के दर्शन नहीं हुए, कैसे दर्शन होंगे? महात्मा कहते हैं कि बेटा सच्चे दिल से पुकारो भगवान को, तो निश्चित आज या कल दर्शन देंगे। लोग कह देते हैं, एक आश्वासन दे देते हैं, कोई उनसे पूछे महाराज आपने तो भगवान पुकारा है, आपको दर्शन मिला कि नहीं मिला है, क्या उत्तर देंगे? क्रुद्ध हो जाएंगे। अरे भगवान दर्शन देगा? जिसका दर्शन होता है वो भगवान नहीं, और भगवान का दर्शन नहीं होता। देखने वाला तो भगवान ही है, ये जो आत्मा है, ये जो जीव चेतन शरीर के भीतर बैठा हुआ है, वही तो भगवान है, वही तो सबको देख रहा है, वही तो सबको जान रहा है, जानने मानने वाला और कौन है? तो इन सब का समाधान आत्मज्ञानी संत है, तो वो कहीं के रहने वाले हों, चाहे जैसे कपड़े पहनने वाले हों, निर्भ्रांत ज्ञान हो और उज्ज्वल चरित्र हो, ऐसे संतों के पास जाएं, वहाँ से पूरा बोध मिलेगा। वृक्ष एक अधर में जामा, जड़ ऊपर पलई तरका, एक पेड़ है अधर में उगा हुआ है, जड़ ऊपर शाखाएं नीचे, ऐसा कहीं पेड़ देखा है आपने? जड़ नीचे होती है, शाखाएं ऊपर होती है, और जड़ जमीन में गड़ी हुई होती है, साहब कहते हैं अधर में है वृक्ष। यहाँ अधर जो चलता फिरता हो, गड़ा हुआ ना हो कहीं पर, वह पेड़ है ये मनुष्य शरीर, चलता फिरता धरती आकाश के बीच, इस मनुष्य का जीवन है, शरीर है। जड़ है मस्तिष्क जो खोपड़ी में है, शाखाएं हैं इंद्रियां जो मस्तिष्क से नीचे है। मस्तक के ऊपर तो कोई इंद्रिय नहीं है ना, आँख नाक कान जीभ त्वचा, ये सारे की सारी इंद्रियां तो मस्तिष्क से नीचे ही है। जड़ किसी पेड़ की जड़ अंदर से खाद पानी लेकर के पूरे पेड़ को सींचती है। आप पेड़ के डाल पात में पानी दे, खाद दे दें और जड़ को सूखा छोड़ दें, क्या वृक्ष हरा भरा होगा, फल फूल आएगा? वो तो सूख जाएगा। पेड़ के डाल पात में पानी देने की आवश्यकता नहीं है, पानी और खाद देने की आवश्यकता है जड़ में, वहीं से पोषण मिलता है पूरे पेड़ को। ऐसे ही हमारी इंद्रियों को प्रेरणा मिलती है मस्तिष्क से, मन न सोचे आग देखने का काम नहीं करेगी, मन न सोचे, मन से प्रेरणा न मिले तो कान सुनने का काम नहीं करेगा,
प्रेरणा देने वाला मन है, विचार मस्तिष्क में उड़ते हैं, इंद्रिया असंयत हैं। क्यों असंयत हैं? क्योंकि विचार असंयत है। आदमी का विचार जब बिगड़ता है तो आदमी के कर्म बिगड़ते हैं, आदमी का व्यवहार बिगड़ता है, आदमी का खानवान बिगड़ता है, आदमी का देखना सुनना बिगड़ता है। और आदमी के विचार संतुलित है, संयमित है, तो जीवन की हर क्रिया संतुलित और संयमित होगी। इंद्रियों पर स्वस्थता प्राप्त करने के पहले, इंद्रियों पर संयम करने के पहले अपने विचारों को संयमित करें। जिस आदमी ने अपने विचारों को संभाल लिया, उस आदमी ने अपने पूरे जीवन को संभाल लिया। गिरता है जब ख्याल, गिरता है आदमी, जिसने इसे संभाल लिया वो खुद संभाल गया। ख्याल गिर गया, विचार गिर गया, आदमी गिर गया, गलत रास्ते में चला गया। ख्याल को संभाल लिया, विचारों संभाल लिया, आदमी ऊपर उठ गया। तो मनुष्य शरीर एक ऐसा वृक्ष है जिसकी जड़ मस्तिष्क में है, इंद्रिया नीचे। इसलिए मन को संयमित रखें, संतुलित रखें, अच्छे विचारों में लगा करके रखें। कभी कोई नकारात्मक विचार, गलत विचार मन में ना आने दें, यह सावधानी रखें। सावधानी ही साधना है, ये कहा जाता है। गुरु जी से हम इस वाक्य को अनेक बार सुन चुके हैं, सैकड़ों बार। यदि हम सावधान रहते हैं तो गलत विचार, अश्लील विचार, वासनात्मक विचार, नकारात्मक विचार मन में नहीं आएंगे। और नकारात्मक विचार ही नहीं है तो नकारात्मक कर्म नहीं होंगे। इसलिए विचारों को संभालें, मस्तिष्क को संभाल लें, पूरा जीवन आपका संभल जाएगा। जल ऊपर लोहा उतराने, लौकी बूढ़ गई तरका। पानी के ऊपर लोहा तैरने लगा और लौकी डूब गई नीचे में जा करके। ये भी उल्टी बात है। यहाँ साहब कभी उलटवासी कथन है। यहाँ लोहा का अर्थ है अहंकार, पानी क्या है ये सत्संग। यहाँ निर्णयवाणी दी जा रही है, ये निर्णयवाणी ही पानी है जो सत्संग से मिलता है। अहंकारी आदमी सत्संग में आकर भी ऊपर ऊपर तैरता रह जाता है, सोचता है कि महात्मा जी जो बोल रहे हैं कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ भाषा गलती हुई, कहाँ कहाँ गलती हुई। अब वहीं पर उसका ध्यान है, क्या प्रेरणा दी जा रही, क्या बात कही जा रही है, कोई मतलब नहीं है। अहंकार, कितने लोग कहते हैं चलो देखते हैं महात्मा जी कितने पानी में, अरे अपने पानी को देखो, दूसरे पानी देख करके क्या करोगे। कोई डूब भी रहा है तो आपका क्या बिगड़ता है। तो अहंकारी आदमी जीवन भर सत्संग करते हुए भी रूखा का रूखा रह जाता है, कोई परिवर्तन जीवन में होता नहीं है। और उसमें भी शास्त्र का अहंकार हो, विद्या का अहंकार, तब तो कहना ही क्या, बहुत पुरानी बात है। उस समय हम लोग रहते थे प्रीतम नगर में, ये बात होगी करीब करीब 80-81 की। गुरु जी उस समय साथ नहीं थे, तो एक सज्जन आए, अपने को बड़े विद्वान मानते थे, अनेक शास्त्रों को मैंने पढ़ा है। आए तो हमारे एक संत से उन्होंने पूछा, क्या इस आश्रम में कोई विद्वान भी रहता है? तो भाई संत ने कहा, नहीं, यहाँ संत रहते हैं, सत्संग करते हैं, साधना करते हैं,
तो उन्होंने कहा, संत तो मैंने बहुत देखा है, संतों से क्या बात करूं मैं, मुझे तो बात करें विद्वान से बात करना है। तुम्हारे गुरु भाई संत ने कहा, यदि आपको विद्वान खोजना चले चले जाइए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बहुत विद्वान मिलेंगे आपको। अब आश्रम आएंगे संतों से, संत यहाँ संत मिलेंगे। साधना की बात पूछनी हो, जीवन रहने की बात पूछनी हो, तो आपका स्वागत है। विद्वान चाहिए यूनिवर्सिटी जाइए, बहुत विद्वान मिल जाएंगे। तो ऐसे लोगों को क्या प्रेरणा मिल सकती है, क्या सीख ले सकते हैं? जल ऊपर लोहा उतराने, ऐसे लोग तैरते रह जाते हैं, किताबी कीड़े बने रहते हैं, किताब में जो लिखा रहता है उसका भी आचरण नहीं कर पाते हैं। लौकी बुड़ गई तरका, लौकी डूब गई नीची में। लौकी हल्की होती है, लौकी के समान जो विनम्र है, अपने को छोटा और पीछे मानने वाला, वह नीचे डूब गई, सत्संग में आया और ज्ञान से तरबतर हो गया, अपने जीवन को सुधार कर लिया। बैठी पढ़ाइन बैठी शुक्लाइन, आए गई विमान गंध किनिया के, मोह भावे ल भक्ति भिलिनिया के, गुरु जी कहा करते थे। शुक्लाइन और पढ़ाइन बैठे रह गई और भिलनी विमान में चढ़ करके स्वर्ग चली गई। ये कहने का तरीका, अर्थ यहाँ पर बड़े बड़े अहंकारी डूब गए, विनम्र विनम्र लोग संतों का आश्रय पकड़कर, सत्संग से ज्ञान श्रवण करके, प्रेरणा लेकर के कल्याण कर गए। सद्गुरु कबीर ने तो कहा है, हरवे हरवे तर गए बूढ़ा जिन सिन भार। जो हरवे हरवे थे, जिनके सिर पर माया मोह का बोझा नहीं था, अहंकार का बोझा नहीं था, विकारों का बोझा नहीं था, जो विनम्र थे, बोझा रहित अहंकार रहित, वे लोग तर गए। और जिन्होंने बोझा ले रखा था वे सब के सब डूब गए। तरवे को है दीनता, डूबन को अभिमान, सद्गुरु कबीर कहते हैं। डूबने के लिए अभिमान है और तरने के लिए दीनता है, विनम्रता है, लघुता है। विनम्र आदमी हर जगह अपने लिए सम्मान खोज लेता है, खोज के आता है, अपने आप से सम्मान मिलता है, हर आदमी के दिल में वो जगह बना लेता है। तो लौकी डूब गई तरका, लौकी के समान जो विनम्र थे, सत्संग में आकर ज्ञान की वाणी सुनकर तरबतर हो गए, सुधार कर लिए और बेड़ा पार कर लिए। यही रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सुई नख माही जगत अटका। सद्गुरु कबीर कहते हैं कि ऐ लोगों सुनो, मैं देखता हूँ कि दुनिया के लोग सुई के छेद में फंस गए हैं। सुई का छेद कितना छोटा, उसमें आदमी फंस जाए, बड़ा अद्भुत। सुई छेद यहाँ लक्षणा में है, तुच्छ वस्तु, बिल्कुल बेकार, जिसकी कोई कीमत नहीं है, आदमी वहाँ अटक गया है। बड़े बड़े विद्वान हैं, बड़े प्रवक्ता है, लेकिन बिना तंबाकू के रख नहीं पाता। तंबाकू तुच्छ है ना, क्या रखा है तंबाकू में? लेकिन बड़े विद्वान भी तंबाकू में फंस गए हैं, और किस किस कहाँ कहाँ कितकी कितकी आदत बना लिए हैं। जिनमें हमारा मन फंसा हुआ है, जिनमें हमारा मन डूबा हुआ है, आसक्त है, वो सारी की सारी चीज़ें एकदम तुच्छ हैं, ना चीज, कोई कीमती नहीं है। और अंत में एक दिन उन सबका छूट जाना पक्का है, जिसके बिना हम कहते हैं कि इसके बिना मैं रह नहीं पाऊंगा, उसके बिना आदमी आराम से जी लेता है। गुरु जी प्रावधान दिया करते हैं, प्राय कितने युवक कहते हैं अपनी पत्नी से, तुम्हारे बिना तो मैं जी नहीं पाऊंगा, तुम नहीं रहोगे तो मैं तो मर जाऊंगा।
कितनी युवतियाँ कहती है, महिलाएं कहती हैं अपने पति से कि तुम नहीं रहोगे तो मैं तो मर जाऊंगी। एक चुटकुला याद आ गया, पति पत्नी ऐसे बैठे बात कर रहे थे, बात करते करते पत्नी ने अचानक पति से पूछ लिया, बताओ जी यदि अभी मेरी मृत्यु हो जाए तो तुम्हारी क्या दशा होगी? तो पति ने कहा, अरे तुम कैसे कहती हो, ये तुम्हारी मौत हो जाए तो मैं तो पागल हो जाऊंगा, पूरा पागल हो जाऊंगा। कि सचमुच में हाँ हाँ मैं तुम्हारी मौत होगी तो मैं तो एकदम पागल हो जाऊंगा। तो पत्नी ने कहा, दूसरी शादी नहीं करोगे? कहा, पागल क्या ठिकाना, पागल तो कुछ भी कर सकता है। ऐसा है, ऐसी है दुनिया। तो मैं कह रहा था कि कौन किसके बिना नहीं रह पाएगा, जहां हमारा मन फंसा हुआ है बस उसके रहते तक हम कीमत समझते हैं। तो तुच्छ वस्तुओं में हमारा मन अटक गया है, जब उसके बिना हजारों लाखों करोड़ों लोग जी रहे हैं तो हम क्यों जीने सकते हैं? मिथ्या मोह है, भ्रम है, आसक्ति है, यही आसक्ति में हम फंसे हुए हैं। आसक्ति का त्याग कर दे, निर्मोह हो जाए, एक दिन छूटना पक्का है, तब मोह करके क्या होगा? व्यवहार करें, सेवा करें, अंत में होने वाली जो दशा है उस दशा को समझ लें। अंत में होने वाली दशा को जो समझ लेंगे ना तो कहीं मन अटकेगा नहीं, फिर इसी दुनिया में रहते हुए भी आप दुनिया से पार रहेंगे। दुनिया छोड़ करके कहाँ जाएंगे? रहना होगा दुनिया में ही, दुनिया में रहें लेकिन अपने मन को दुनिया से उठा करके रखें। कैसे उठा करके रखेंगे, इसकी कला संत गुरुजन बताएंगे। जैसे साहब ने कहा है, कमल पत्र है संत जन रहे जगत के माए, बालक कार्य केरी धाय जो आपन जानत नाए। कमल का पत्ता पानी में रहता है, लिपायमान नहीं होता। ऐसे ही दुनिया में रहें, लिपायमान ना हों, दुनिया की सेवा करें, काम करें, लिपायमान न रखें। आजकल मैं छोड़कर जाना है इस बात को याद, तो दुनिया की सेवा करते हुए भी आपका मन कहीं फंसा नहीं रखे, इसी जीवन में आप मुक्त हो सकते हैं। सद्गुरु कबीर हमें इस उलटवासी में प्रेरणा देते हैं, दुनिया में रह करके जीने की कला सीखना चाहते हो तो आत्मज्ञानी संतों के पास जाओ, संशय मुक्त होना चाहते हो, चिंता मुक्त होना चाहते हो तो आत्मज्ञानी आत्मपरायण संतों के पास जाओ, वहाँ से प्रेरणा प्राप्त करके सही बोध प्राप्त करके जीवन जियो तो दुनिया का भी काम बनेगा और परमार्थ का भी काम बनेगा। कर से काम, मन से राम, कहें कबीर दोनों, कहें कबीर सरे दो काम, शरीर से मेहनत करो और मन को राम में लगा करके रखो, दोनों काम बन जाएगा। यही जीवन जीने की कला है, इसकी सीख देते हैं संत गुरुजन, उनके पास जाएं, ये कला प्राप्त करें। इन्हीं वचनों के साथ अपनी वाणी को बीने पर विराम।